हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छा कर रहे होंगे, खुश होंगे और अपने परिवार के साथ होंगे। तो आज का ब्लॉग मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि हमने अपनी जिम स्विच कर दी है, तो अभी से हम नए जिम में जाएंगे। क्योंकि जो पुरानी वाली जिम थी अब वो बहुत ही बोरिंग और वहाँ के लोग भी थोड़े अच्छे नहीं थे, तो फिर हमने सोचा कि चलो हम नए जिम में रजिस्टर्ड करते हैं। तो हमने बहुत सारे जिम देखे, तो अभी जो सबसे ज़्यादा हाई रेटिंग चल रही है कल्ट फिटनेस जिम की चल रही है, तो फिर है ना कल्ट मनीकोंडा और जितने भी कल्ट हैं तो सारे जिम शायद अच्छे ही हैं हैदराबाद में। तो फिर हमने डिसाइड किया कि अभी हम कल्ट में शिफ्ट हो जाते हैं। तो रिसेंटली कोंडापुर में एक नया ब्रांच ओपन हुआ है, तो हमने वहाँ से ऑफर लेके, कितना ऑफ मिला हमको, 1500 रुपीज़ ऑफ मिला है अगर आप 1 ईयर का लेते हैं तो 1500 ऑफ है, क्योंकि वो अभी न्यू ओपनिंग हुई है उसकी, इसलिए। तो फिर फाइनली हम दोनों ने तो अभी ऑफर में ले लिया है, तो आज से हमारा नया दिन स्टार्ट होता है नई जिम में। और होपफुली हम ट्राई करेंगे कि डेली जिम जाएं, अगर टाइम नहीं भी मिल रहा है तभी भी जाएं, क्योंकि हमने पे किया है 1 ईयर के लिए। और नई जिम है तो ऑटोमेटिक मोटिवेशन तो रहता ही है भाई, कि नई जिम्स हैं और नए मशीन है, नया नया कुछ सीखने के लिए मिलेगा या करने के लिए मिलेगा। तो मैं आपको उस जिम का टूर तो पक्का कराऊंगी। तो हम रेडी हो आप जाने के लिए? हाँ, चेंज कर लो थोड़ा सा। तो मैं तो रेडी हूँ, अभी चीरो तो चेंज करने जाएगा। कुछ बोलना है आपको? तो गाइस, मैं तो सबको यही बोलना चाहती हूँ कि भले आप दिन में एटलीस्ट 1 नहीं तो 2 घंटा अपने आप को तो दो और फिट रहो। अगर आप 1 घंटा भी दे सकते तो हाफ एन आवर तो कंपलसरी है आपको, हाफ एन आवर वॉकिंग करो, रनिंग करो, कुछ ना कुछ तो करो पूरे दिन में। 24 घंटे में आधा घंटा या 1 घंटा तो कंपलसरी आपको कुछ ना कुछ करना ही है, अगर आपको हेल्दी रहना है और अपनी एज बढ़ानी है, मेंटेन रखना है अपने आप को। तो और बोली थी, मेरे से बहुत लोग बोलते हैं कि आप योगा भी सिखाते हो और जिम भी करते हो, तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप दोनों चीज कर सकते हो, आप योगा भी कर सकते हो, आप जिम भी कर सकते हो, पर हमें अपने हमेशा बॉडी को सोच के, बॉडी के बारे में सोच के ही करना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप भाई आपको बहुत ज्यादा बॉडी पेन्स रहते हो और फिर आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, तो उससे तो ऑब्वियसली बात है कि आपको बोन्स हर्ट होंगे, मसल्स हर्ट होंगे। तो आप हमेशा, अगर आप जिम ट्रेनिंग कर रहे हो, अगर आप वेट्स कर रहे हो, तो आप उससे पहले कुछ मोबिलिटी एक्सरसाइज करो, करने के बाद भी कुछ मोबिलिटी एक्सरसाइज करो, तो आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो मेंटेन रहेगी, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप हमेशा अपने वेट के अकॉर्डिंग ही वेट ट्रेनिंग करो, उससे ज़्यादा मत करो अगर आपको फिट रहना है, क्योंकि हमें कोई कॉम्पिटिशन वगैरह तो खेलना नहीं है। तो फिट रहने के लिए हम थोड़ा योगा भी कर सकते हैं, थोड़ा सा जिम भी कर सकते हैं और फ्री हैंड एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं, जिनको कैलिस्थेनिक एक्सरसाइज कहते हैं। तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि जैसे मैं तो योगा ट्रेनर हूँ, तो मैं योगा सिखाती हूँ, मेरा खुद का स्टूडियो है वहाँ पे, सब लोग योगा सीखने आते हैं। तो मैं उनको भी यही सजेस्ट करती हूँ कि अगर आप रनिंग करते हो फिर योगा करते हो तो उसमें कुछ बुराई नहीं है, अगर क्योंकि वो आप करते हो अपने हेल्थ के लिए रहे हो ना, तो आपको हमेशा आपकी बॉडी की बात सुननी है, उसके बाद ही कोई भी वर्कआउट चूज करना है। आप दोनों कर सकते हो, क्योंकि अगर आप जिम कर रहे हो तो योगा से आपकी फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रहेगी और जिम से आपका जो मसल स्टोन अप है वो मेंटेन रहेगा। तो गाइस, फाइनली हम पहुंच गए हैं कल्ट फिट, जो है रिलायंस के ऊपर। ये मनीकोंडा ब्रांच है। गाइस, वी आर सो एक्साइटेड फॉर द न्यू जिम। हम जा रहे हैं अभी लिफ्ट में। यार, ये हाल हो गया मेरा। तो गाइस, इन लोगों की जिम तो बहुत ही ज़्यादा मस्त है और इसमें बहुत ही सारी मशीन्स हैं। आप ट्रेडमिल देख सकते हो, साइकिलिंग है, वेट मशीन्स हैं, और जो इनके पास वेट्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। आपको योगा करने के लिए भी बहुत अच्छे से स्पेस मिलेगा और आप कोई भी एक्सरसाइज करने के लिए अच्छा सा स्पेस देख सकते हो, क्योंकि बहुत ही अच्छा और स्पेशियस जिम है इनका। तो मुझे तो यहाँ पर आके बहुत ही अच्छा लगा। क्या कर रही है? क्या बात है, क्या कर रही है? इंग्लैंड
टच 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 फिर मैंने अपना वर्कआउट ख़त्म करने के बाद डिसाइड किया कि मैं थोड़ा हाफ एन आवर योगा प्रैक्टिस करूँगी, जो कि मैं हमेशा करती हूँ। कुछ एडवांस प्रैक्टिस, कुछ फ्लेक्सिबिलिटी प्रैक्टिस मैं हमेशा करती हूँ, और जिम में मैं हमेशा लाइट वेट ही यूज़ करती हूँ। कि अगर आप लोग भी मेरे को देख के जिम कर रहे हो तो लाइट वेट यूज़ करो, क्योंकि मैं एक योगा ट्रेनर हूँ और मुझे हैवी वेट उठा के अपनी बॉडी को टाइट नहीं करना है और उसे हर्ट नहीं करना है। तो मैं इसलिए हमेशा लाइट वेट ही यूज़ करती हूँ और कैलिस्थेनिक एक्सरसाइजेस ज़्यादा यूज़ करती हूँ, जैसे कि जो एप्स में वर्क करती है, हमारे कोर में वर्क करती है, और उसके बाद योगा भी उसी हिसाब से करती हूँ जो कि हमारे आर्म स्ट्रेंथ के लिए वर्क करता है, कोर के लिए वर्क करता है। तो गाइज फिर हमने स्ट्रेचिंग करी, थोड़ी सी कोर की स्ट्रेचिंग करी, बैक की स्ट्रेचिंग करी, तो फिर हमारा ये लास्ट सेशन था हाफ एन आवर का। सो यू कैन एन्जॉय द वीडियो गाइज। तो अब हम कर लेते हैं थोड़ा सा भुजंगासन, उसके बाद करेंगे थोड़ा सा शशांकासन बैक को रिलैक्स करने के लिए, फिर उसके बाद डायरेक्ट हम जाएंगे धनुरासना में। थोड़ा सा बैक स्ट्रेच कर लेते हैं बैक मोबिलिटी के लिए, शोल्डर मोबिलिटीज़ के लिए। ये बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है, तो आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो वर्कआउट के बाद। तो फिर से अगेन हम जाएंगे भुजंगासन, फिर जाएंगे शशांकासना, और उसके बाद हम जाएंगे मच्छेंद्रासन फिश पोज। ये भी हमारे लोअर बैक थाइस के लिए बहुत अच्छी फ्लैक्सीबिलिटी एंड मोबिलिटी एक्सरसाइज है। लास्ट में हम करेंगे अपना चक्रासन। तो ये देखो चीरू को इधर उधर कर रहा है, इसको ना योगा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो लास्ट में गाइस हमने चक्रासन किया, अगेन द स्ट्रेचिंग फॉर शोल्डर्स एंड द बैक। चक्रासन करने के बाद आपको उसका कॉम्प्लीमेंट्री पोज पक्का करना है, तो हम हलासन करेंगे, अपोजिट पोज करेंगे उसका पहले, और उसके बाद हम जाएंगे फॉरवर्ड बैंडिंग। तो गाइस हमें तो बहुत मज़ा आया आज वर्कआउट करके, स्ट्रेचिंग करके, और जिम भी बहुत ही ऑसम है, तो एकदम अच्छी फीलिंग आ रही थी। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हमारा वर्कआउट भी कंप्लीट हो गया है, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। लव यू ऑल, बाय बाय।